कोविड संक्रमित मरीज के लिए प्लाज्मा थेरेपी कितनी असरदार है, इसको लेकर वाद विवाद अब तक हो रहा है। इस बीच एक ताजा स्टडी ने प्लाज्मा थेरेपी को प्रभाव को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्टडी का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीज को कोई मदद नहीं मिली, बल्कि इसकी वजह से गंभीर प्रतिकूल घटनाएं या उसके जोखिम सामने आए हैं। बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी में संक्रमित मरीज का ऐसे शख्स का प्लाज्मा दिया जाता है जो कि कोरोना को हरा चुका हो। कोविड की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन बेड के साथ साथ प्लाज्मा की मांग भी तेजी से आई थी, लेकिन अब कनाडा की इस स्टडी ने सबको चौंका दिया है। ये स्टडी नेचर पत्रिका ने की है। हॉस्पिटल में भर्ती कोविड संक्रमित के लिए प्लाज्मा थेरेपी नाम से हुई स्टडी में 940 मरीजों को शामिल किया गया था जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था। प्लाज्मा थेरेपी लेने वाले कुल मरीजों में से 33.4% मरीजों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे ऑक्सीजन का लेवल गिरना, सांस लेने में दिक्कत। वहीं जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी गई थी उनमें से 26.4% को हुई इस तरह की दिक्कत आई है। 30 दिन तक चली इस स्टडी के आखिर में पाया गया है कि उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी ली थी, उनकी मौत का आंकड़ा भी थोड़ा ज्यादा 23% था। वहीं जिस ग्रुप को प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी गई उसमें मौत का नंबर 20.5% था। स्टडी के मुताबिक कोविड संक्रमण का पता लगने के 8 दिनों के बाद लगभग सभी मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।